हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना यादव्स किचन। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई। चलिए तो हम बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं चिकन फ्राई बनाने के लिए। सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे चिकन को, और उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन लिया है, 1/2 कप मैंने कॉर्नफ्लावर का लिया है। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप अरारोट का आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं बेसन का, ज़्यादा बेसन नहीं डलेगा। 1/2 कप मैंने चावल पिसे हुए लिए हैं, चावल का आटा है ये। अगर आपके पास में ना हो तो घर पे चावल को पीस करके और उसका बारीक आटा तैयार कर सकते हैं। पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पर चिली चिकन, ग्रीन चिली चिकन है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 बड़ा चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच, टमाटो केचप लिया है मैंने 2 बड़ा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच नमक का लिया है। अगर आप ज़्यादा और कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे। तो चलिए अभी हम चिकन फ्राई बनाने के लिए, उससे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। चिकन को यहाँ पे मैंने बड़े बड़े पीसेस के अंदर कटवा लिया था, आप देख सकते हैं ये अच्छे से बड़े पीसेस में कटा हुआ है। और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है 2 से 3 बार पानी में। अभी हम इसको एक बड़े बर्तन में डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे हमारा सॉल्ट, ग्रीन चिली पाउडर, आप कुछ भी डाल सकते हैं, हमने ये सब ही इसके अंदर ऐड करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, सॉरी रेड चिली सॉस। अगर आपने कम स्पाइसी खाना है तो आप इनको कम भी कर सकते हैं। और टमाटो केचप, यहाँ पे मैं चावल लूँगी, पिसा हुआ चावल का पाउडर, इससे हमारा चिकन फ्राई क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पे मैं ये ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, बेसन लेंगे हम, अभी हम हमारे एग्स को अलग से तोड़ लेंगे और इसको थोड़ा सा हम बीट करेंगे, इसको अच्छे से ये बीट हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा अंडा अच्छे से फिट गया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी रेड ऑरेंज फूड कलर, तकरीबन 1 चुटकी हमने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं, अगर कम लगे तो आप और डाल दीजिए। इसको हमने इसी में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसको हमारे चिकन में ऐड कर देंगे। अब मैं इसको अपने हाथों से ही मिक्स करूंगी, क्योंकि हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है। मेरे को इसके अंदर फूड कलर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें हल्का सा फूड कलर और ऐड करूंगी, क्योंकि इसका कलर थोड़ा डार्क ही होता है। तकरीबन 1 पिंच हम इसके अंदर
और डाल लेंगे 1 to 2 pinch, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके और फ्रिज के अंदर हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद में हम इनको बनाएंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दूंगी। हमने हमारा चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दिया है चिकन फ्राई के लिए। जब तक हम हमारा चिकन मैरिनेट होता है, हम हमारे प्याज को भी मैरिनेट कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ, इसके साथ में सिरके वाले प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम बना तैयार कर लेते हैं। 2 घंटे इसको बनने में लगेगा और जितने हमारे चिकन फ्राई भी रेडी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से गोल काट लिया है। अभी हम इसके अंदर हमारा सिरका लेंगे, ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है सिरके का, 1/2 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है, नमक भी ऐड कर देंगे। और मैं इसके अंदर डालूंगी नींबू का रस, खट्टे खट्टे प्याज इसके अंदर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हमारा रेड ऑरेंज फूड कलर, थोड़ा सा ही डालना है। और एंड में हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा ही डालना है हमने, और इसको हम मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। इससे प्याज के अंदर सिरके की, नींबू की सारी खटास इसमें आ जाएगी। मेरा तेल गरम हो चुका है, एक्चुअल में मैंने इसके अंदर अभी प्याज फ्राई किए थे, इसलिए मेरा तेल थोड़ा ऐसा लग रहा है और ये तेज़ गरम है। इसके अंदर अब हम हमारा चिकन, जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा था, 1 घंटा हो चुका है, इसके अंदर फ्राई करेंगे। हम बहुत ही ध्यान से, तेज गरम है तो मैंने गैस फ्लेम बिल्कुल धीमी कर दी है और हमने इसको एक एक करके अच्छे से तेल में फ्राई करना है। फ्रेंड्स, इसको मैं 2 बार में फ्राई करूंगी, एक बार हाफ फ्राई करके हम इसको वापस से फ्राई करेंगे, उससे हमारा चिकन जो है अच्छे से पक भी जाएगा और क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा ये। आप देख सकते हैं ये एक साइड से सिक भी गया है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। मैंने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई किया है, अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करते तो ये ज़्यादा सिक जाता। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। मैं अब इसको निकाल लूँगी और इसको हम, जब हमने खाना खाना है उस वक्त हम गरम गरम इसको हाथों हाथ फ्राई, डीप फ्राई वापस से कर लेंगे और इसको आप खा लेंगे। मैंने इसको हमारे पेपर टॉवल के ऊपर निकाल करके रख दिया है। इसी तरीके से हम हमारे बाकी के चिकन को भी फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा लेंगे और बहुत ही केयरफुली करना है ताकि आपके ऊपर छांटा ना लगे, क्योंकि चिकन में भी पानी होता है तो वो अपना पानी छोड़ता है और जलने का खतरा रहता है। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में आप बनाएंगे तो इसमें वेस्टेज बिल्कुल नहीं बचेगी, नहीं तो इसमें हमारा डफ जो है काफ़ी वेस्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का झागाना शुरू हो गया है हमारा
तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर दूंगी, मीडियम हाई फ्लेम पे इसको करूंगी ताकि हमारा तेल वापस से गर्म हो जाए और हम इसको भी वैसे ही तल लेंगे। ये चिकन भी फ्राई हो चुका है, वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया था क्योंकि हमारा तेल ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था और गैस फ्लेम बिल्कुल लो थी। हम इसको भी इसी तरीके से निकाल लेंगे और इसको भी हम पेपर टॉवल के ऊपर रख लेंगे। अभी हम हमारे तेल को फिर से एक बार तेज़ गर्म होने देंगे, ये गर्म हो जाएगा, इसमें से ये चरचर की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर हमारा चिकन एक बार वापस से फ्राई करेंगे। हमारा तेल वापस से गर्म हो गया है, मैंने गैस फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब हम हमारे चिकन को वापस से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से क्रिस्पी सेकेंगे और इसको एक बार को मैं सिकने में कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। 2 मिनट के बाद में हम इसका साइड चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों साइड से इक्वली फ्राई हो जाए और अच्छे से पक जाए। अभी हमारे कढ़ाई में और स्पेस है तो हम इसको और भी डाल देंगे। और इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारे जो जो चिकन के पीस फ्राई हो चुके हैं हम उनको निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको तिरछा करेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही टेस्टफुल लगते हैं। आप इसको किसी भी धनिए की चटनी या मेयोनीज सॉस किसी के साथ में भी खा सकते हैं, जिससे के साथ भी आपको खाने का इच्छा है। हम बाकी के इस तरीके से अच्छे से सेक लेंगे, जो जो सीखते जाएंगे हम उनको निकालते जाएंगे। देख सकते हैं हमारा चिकन बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने इसको 2 बार फ्राई किया है, डीप फ्राई किया है और एक बार फ्राई होने के अंदर इसको 4 से 5 मिनट लगते हैं, वो भी मीडियम फ्लेम पे और लो मीडियम फ्लेम पे। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे हमारे सिरके वाले प्याज, जो कि इसके साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप इसको किसी भी चटनी के साथ में और मेयोनीज़ की चटनी, मेयोनीज़ किसी के साथ में भी खा सकते हैं, ये बहुत ही बहुत टेस्टफुल होता है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ में शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। ओके, बाय बाय।